गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपनी पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कंप्लीट किया था उसकी स्ट्रक्चर पड़ी थी और उसके साथ साथ ही कहाँ हमको सिंपल प्रेजेंट किन कंडीशंस में यूज़ करना है सिंपल पास्ट को किन कंडीशंस में यूज़ करना है और सिंपल फ्यूचर को किन कंडीशंस में यूज़ करना है ये सब सीखा था और आज की क्लास में हम कॉन्टीन्यूस को देखेंगे कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो या पास्ट कॉन्टीन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस इन तीनों की स्ट्रक्चर देखेंगे कंटिन्यूस का मतलब है प्रोग्रेसिव कि काम आपका जारी है कंटिन्यूस भी कह सकते हैं इसको इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉन्टीन्यूस में क्या होता है आपका मेन वर्ब जो होती है वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आई एन जी लग के बनती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ऑगजलरी वर्ब बी का यूज़ करेंगे आप मतलब चाहे वो आ, कोई सा भी हो चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो सब में बी यूज़ होगी वो एक अलग बात है कि बी की आप अलग अलग फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं इसमें तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट तो प्रेजेंट में मेन वर्ब आपकी ओरिजिनल वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आइए जी ऑगज्लरी वर्ब बी और बी का कौन सा रूप यूज़ करेंगे आप इज एम आर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप इज लगा देंगे और आई अगर होगा तो एम लगा देंगे और प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आप आर लगा देंगे ठीक तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद इज एम या आर तीनों में से एक कोई भी वर्ब ले लेंगे ऑक्सिलरी प्रेजेंट पार्टिसिपल उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट एग्जाम्पल देखिए राम इज स्लीपिंग ठीक तो वैसे आपको नॉर्मली पता ही है इतना तो आप सीख ही गए हैं अब कि यहाँ पर इज और स्लीपिंग तो स्लीपिंग जो है आपकी मेन वर्ब है और इज जो है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और इन दोनों में ये बात भी आप कंडीशन ये कंडीशन भी क्लियर हुई गई है आपके लिए कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है बिकॉज इट एक्सप्रेसिज द टाइम एंड मेन वर्ब जो है आपकी वो नॉन फाइनाइट वर्ब है बिकॉज इट ओनली एक्सप्रेसिज द एक्शन क्योंकि ये सिर्फ एक्शन बता रही है जबकि ये टाइम बता रही है और जो टाइम बताती है वो आपकी फाइनाइट होती है ठीक दूसरा आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है आपको सब्जेक्ट आपका है सब्जेक्ट के बाद एज एम आर फिर आपने नॉट अप्लाई कर देना है ये नॉट आएगा ही इसमें उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे राम इज नॉट स्लीपिंग राम नहीं सो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें ऐसे इंटरोगेटिव जिनके आंसर्स आप यस नो में दे सकते हैं तो उसमें आप इज एम आर लगा देंगे हिंदी वाक्यों में क्या शब्द से शुरू होंगे ये और इज एम आर के बाद सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे फिर अगर नॉट है इस तरह के सेंटेंस में ये इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव भी है तो आप नॉट लगाएंगे उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ठीक जैसे इज़ राम नॉट स्लीपिंग क्या राम नहीं सो रहा है तो आप देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आ जाता है मान लीजिए क्वेश्चन भी किया जाता है ऐसा सवाल हो जाता है जहाँ पर आपको आंसर यस नो में ना दे करके डिस्क्रिप्शन uh, में देना हो तो उस कंडीशन में आप इस पूरी स्ट्रक्चर से पहले ही क्वेश्चन वर्ड अप्लाई कर देंगे जैसे वाई इज़ राम नॉट स्लीपिंग राम क्यों नहीं सो रहा है तो इस तरह से आपकी ये कॉन्टीन्यूस की प्रेजेंट की स्ट्रक्चर uh, समाप्त हुई आइए अब देखते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस को आइए अब देखते हैं पास्ट का पास्ट में क्या करना है आपको वही स्ट्रक्चर रहेगा मेन वर्ब की uh, जो है ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी लगेगी और ऑगजिलरी वर्ब बी है तो बी का ही पास्ट पास्ट uh, वाला रूप यूज़ करेंगे आप वाज या वर पास्ट फॉर्म होती है ये बी की और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा चलो अभी एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद वाज वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब यही होता है वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी ऊपर लिखा हुआ है क्लियर और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट राम वॉज स्लीपिंग ठीक अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट उसके बाद वाज या वर प्लस नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट राम वॉज नॉट स्लीपिंग ठीक इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो शुरू में क्या लगा रहेगा क्योंकि आंसर आप यस नो में दे सकते हैं तो वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट है तो नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वाज राम वाज राम नॉट स्लीपिंग तो क्या राम नहीं सो रहा था तो इसका आंसर आप दे दोगे हाँ या ना ठीक यस और नो और इसके अलावा देखिए जैसे क्वेश्चन वर्ड लगना लगाना है डिस्क्रिप्शन आंसर देना है तो क्वेश्चन वर्ड इस पूरी स्ट्रक्चर के पहले आ जाएगा जैसे यही थी पूरी बाज राम स्लिपिंग उसके पहले आपने क्वेश्चन वर्ड डाल दिया वेयर वाज राम स्लीपिंग तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाह रहा था आपको ये वर्ब की पास्ट फॉर्म कैसे है तो देख लीजिए इधर एक्चुअली वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है बी और जिसको आप फर्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो वर्ब की जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म जो पढ़ते हो तो वहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म में बी की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे आप इज एम और आर को ठीक और वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पढ़ेंगे आप जो पास्ट फॉर्म होती है वर्ब की पास्ट फॉर्म या ये प्रेजेंट फॉर्म मान लीजिए वर्ब की तो इसमें आप पढ़ेंगे वाजया इसके बाद आपकी जो पार्टिसिपल फॉर्म होगी वर्ब की वो क्या होगी बीइंग ठीक है ना ध्यान रखेंगे पर ठीक है तो इस तरह से होती है तो ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अप्लाई हुई थी ये पास्ट फॉर्म है इसलिए ये आपके पास्ट uh, कॉन्टीन्यूस में अप्लाई हुई और जब आप पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करोगे बी का तो आपको बीइंग का यूज़ करना पड़ता है ठीक और आइए इसके साथ ही अब हम फ्यूचर uh, कॉन्टिन्यूस और देख लेते हैं अब कॉन्टीन्यूस की अगली कड़ी में देखते हैं हम फ्यूचर को फ्यूचर कॉन्टीन्यूस अभी आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस तो अब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब वर्ब तो वर्प की ओरिजिनल फॉर्म में आईएनजी और वर्ब आपकी बी थी तो बी में यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि कोई फ्यूचर के लिए वर्ब निर्धारित नहीं है तो इस कंडीशन में हम विल और सेल जो फ्यूचर के लिए होती हैं उनसे काम चलाते हैं तो विल बी बी का आना तो लाजमी है तो बी जुड़ जाएगी किस में विल के साथ विल बी सेल बी और एक बात ध्यान रखेंगे कभी भी विल और सेल आपकी मॉडल्स में आती हैं, तो मॉडल्स के साथ कभी भी बी की फॉर्म यूज नहीं हो सकती तो इसीलिए बी की और, बी जो है वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है तो ओरिजिनल फॉर्म को यूज करेंगे आप प्रेजेंट फॉर्म को सॉरी ओरिजिनल फॉर्म को तो विल बी सेल बी यहां पर एक बात और क्लियर कर देता हूं ये आपको फ्यूचर इंडेफिनेट uh, में भी बताया है कि सेल का जो यूज करेंगे आप वो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और विल का यूज जो है सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं अदर पर्सन और अदर पर्सनस में आपके सेकेंड और थर्ड पर्सन जो भी होंगे उनमें आप विल का यूज कर लेंगे ठीक तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस क्या है सब्जेक्ट प्लस या सेल में से एक उसके बाद बी जोड़ दोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट राम विल बी स्लीपिंग अगर यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन डाल दूँ आई तो आपको सेल करना पड़ेगा ठीक क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ आपको सेल लगाना होता है और बाकी कोई भी अगर पर्सन है तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे विल लगाएंगे ठीक इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस है सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो करनी है हमको सब्जेक्ट विल या सेल तो नॉट प्लस बी देखिए विल और बी के बीच में मतलब अगर आपको जब कोई भी ऑग्जिलरी वर्ब दो शब्दों में हो या तीन शब्दों में हो तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी नया वर्ड डालोगे चाहे वो सब्जेक्ट की तरह हो या आपका कोई एडवर्ब हो उसको आप फर्स्ट वर्ड के बाद ऑगजलरी वर्ब के फर्स्ट वर्ब के तुरंत फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद डालोगे जैसे देखिए इसी में विलियस सेल फर्स्ट वर्ड हो गया उसके बाद आपने डाला नॉट प्लस बी उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जैसे राम विल नॉट बी तो फर्स्ट वर्ड विल था तो विल के तुरंत बाद आपने नॉट डाल दिया बाद में आ गया बी मान लीजिए इसमें आगे बी के बाद कुछ और होता राम विल नॉट हैव बीन होता तो भी आपको फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट डालना होता बाद में दो वर्ड जो बाकी बचते वो आप उसके बाद डालते तो ध्यान रखेंगे कभी भी एडवर्ब अगर हमको प्लेस करना है जो मैंने एडवर्ब की क्लास में भी आपको पढ़ाया है के कभी भी एडवर्ब को प्लेस जब करना होगा वर्ब के बीच में तो फर्स्ट वर्ड के बाद ऑगजिलरी वर्ब के तुरंत बाद आप जो है जो फर्स्ट ऑगजिलरी वर्ब होगी उसके तुरंत बाद आप उस नॉट को लगा देंगे ठीक इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए वही स्ट्रक्चर है वेलिया सेल क्योंकि इनके आंसर आप यस yes, नो no, में दे सकते हो प्लस सब्जेक्ट नॉट बी अब देखिए यहाँ वेलिया सेल के बाद सब्जेक्ट भी आ गया और नॉट भी आ गया मतलब जो भी वर्ड डालोगे आप वो फर्स्ट ऑग्जिलरी वर्ब और सेकेंड ऑगजिलरी वर्ब के बीच में डालोगे ठीक प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपलेंट विल राम नॉट बी स्लीपिंग देखिए राम आपका सब्जेक्ट हो गया और और नॉट आपका आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और ये फर्स्ट वर्ड था फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज द लास्ट वर्ड तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड तो फर्स्ट वर्ड के तुरंत बाद प्लेस करोगे आप सब्जेक्ट या किसी भी एडवर्ब को ठीक अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आपको डालना है तो क्वेश्चन वर्ड जो होगा आपका वो इस पूरी स्ट्रक्चर के पहले लग जाएगा जैसे हाउ विल राम बी स्लीपिंग अगर नॉट भी डालना होगा तो राम के बाद डाल दोगे तो कुल मिला के बात ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है सिंगुलर सॉरी uh, वो नो टाइप वाला इंटेरोगेटिव हो या डिस्क्रिप्टिव टाइप वाला हो डब्ल्यू टाइप वाला हो स्ट्रक्चर पे हमारी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बस उस स्ट्रक्चर में आपको अगर क्वेश्चन वर्ड ऐड हो रहा है तो उस क्वेश्चन वर्ड को ऐड और कर देंगे ठीक है बाकी इनकी भी शुरुआत जो होती है इंटरोगेटिव की मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो सिर्फ क्या से होती है लेकिन उस कंडीशन में जहां पर कि हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं उस कंडीशन्स में हम क्या की अंग्रेजी जो वर्ट होती है उसको यूज नहीं करते बल्कि जो हमारी ऑगजलरी वर्ब होती है वो ऑगजलरी वर्ब ही हमारा क्या का काम कर देती है तो इस तरह से आप दे सकते हैं और इसके बाद अब हम जो है अपनी अगली कक्षा में जो पढ़ेंगे वो कॉन्टीन्यूस के यूज पढ़ेंगे कि किन कंडीशंस में हमको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का यूज करना है किन कंडीशन में पास्ट कॉन्टीन्यूस का यूज करना है और किन कंडीशन में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का यूज करना है और क्या डिफरेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में क्या डिफरेंट है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या डिफरेंट है डिफरेंस है पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में तो आज के लिए इतना ही इसके साथ ही हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं धन्यवाद